हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगलम मंडल है और आज मैं मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले कुछ सवाल जो दिमाग में था वो पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, है कि बहुत दिनों से मैं वीडियोस देखते आ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा दिमाग में ये आता है जो जिन लोगों का वीडियोस मैं देखता हूँ कि लाख लाख व्यूज़ है, इतना इतना सब्सक्राइबर है, तो एक दिन देखते देखते अचानक मेरा दिमाग में आया, क्या सही में इतना वीडियोस पे व्यूज़ मिलता है? क्या ये सिर्फ व्यूज़ बस बड़े यूट्यूबर को मिलता है या मेरे जैसा बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपना चैनल स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, यूट्यूब पे कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, तो उन लोगों को भी मिलता है क्या? उन लोगों को भी इतना लोग पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं क्या, सब्सक्राइब करता है क्या उन लोगों का चैनल? अब लोगों का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया आप लोगों के सामने और मैं YouTube में क्यों वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, तो ये सब बातें आप लोगों को बताएंगे आज का वीडियो में। बेसिकली मैं बाहर काम करता था पर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फैमिली इशू के लिए मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा, आके यहाँ पे मेरे को घर संभालना पड़ रहा है अभी। तो घर बैठे बैठे ऐसे ही एक दिन सोच लिए क्यों ना यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाया जाए। और आप लोग को पहले से ही बता देता हूँ कि मैं राइडर हूँ, ऐसे नया नया जगह पे मैं बाइक ले ट्रिप करता हूँ, रोड ट्रिप करता हूँ, ऐसे करते ही रहता हूँ। सो ये जो जगह पे मैं जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी सर्च किया, ऐसा कुछ कोई दिखाता नहीं है सब जगह, तो ये सब जगह आप लोगों के सामने ला पाऊँ जहाँ पे अभी कोई गया नहीं हो या गया हो, कोई वीडियोस नहीं बनाया हो। मेरा जो ब्लॉग रहेगा वो बेसिकली लाइफस्टाइल ब्लॉग रहेगा ये सब चीज़ के बारे में। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अचानक क्या सोच के मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू कर रहा। ब्लॉग के बारे में बताने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है वो सब कुछ बदल देता है, और मेरा ऐसे भी मान लीजिए कि मेरा लाइफ में भी ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आया जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आके खड़ा हूँ और आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूँ और वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ। मेरा लाइफ कुछ अलग सा था तो अभी जाके पूरा अलग सा हो गया, कुछ हद सा हुआ ऐसा ही कि मैं अभी पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले लाइफ जो था मेरा वैसा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए सोचा क्यों ना जब घर में ही बैठे हुए हैं तो क्यों ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू करूं और यूट्यूब पे नया नया कंटेंट लाना चालू करूं। तो यही सब सोचते सोचते एक दिन वही सवाल दिमाग में आया कि जैसे जो मेरे जैसा यूट्यूबर है, जो मेरे जैसा ब्लॉग बनाना चाहते हैं, नया कंटेंट लेके आना चाहते हैं, अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, क्या उन लोगों को भी इतना व्यूज़ मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है आप लोगों की तरफ से जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन लोगों को मिलता है? आप लोगों का मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि मेरा जो वीडियो है किसके ऊपर बनेगा, कौन सा कंटेंट के ऊपर बनेगा। सो ये सब शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं एक राइडर हूँ, मेरे को नया नया जगह पे ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है और मैं नया नया जगह एक्सप्लोर भी करता रहता हूँ। मेरा दोस्त लोगों के साथ हम लोग राइडिंग प्लान भी करते हैं, राइडिंग ट्रिप करते हैं, बहुत दूर दूर जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग खाना पीना मस्ती सब कुछ करते हैं साथ में। और ऐसा दोस्त लोगों के साथ ना भी हो तो मैं अकेला निकल पड़ता हूँ अपना बाइक लेके, नया नया जगह पे चल जाता हूँ और वहाँ पे घूम के आता हूँ। सो अब लोग एक आइडिया मिल गया होगा कि मेरा वीडियो किसके ऊपर बनेगा। सेकंड जो है, मेरे को खाना बहुत पसंद है, सो आप लोग बोल सकते हो मैं एक फूडी हूँ, मेरे को नया नया डिश ट्राई करना बहुत पसंद है, नया नया टेस्ट, नया नया फ्लेवर जो मुंह में खिलता है, ओए होए होए मेरे को तो मज़ा आ जाता है। तो आप लोगों को खाने वाला ब्लॉग भी मिलेगा, सो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा रेस्टोरेंट पे, उसका रिव्यू तो नहीं दूंगा, मैं तो फूड ब्लॉगर नहीं हूँ पर रिव्यू नहीं दूंगा, पर आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा खाना खा रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट बताऊंगा, मेरे पर्सनल रिव्यू मैं दूंगा आप लोगों को कि मेरे को खाना अच्छा लगा कि नहीं, और जो रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ वो रेस्टोरेंट कौन सा जगह पे है, आप लोगों को डिटेल्स लोकेशन दूंगा, आपका मेनू प्राइसिंग सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को। यही दो तीन चीज़ है जो मैं अभी सोच के रखा हूँ, पर ये सब शुरू करने से पहले जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मेरे को चाहिए वो है आप लोगों का सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी काम कोई शुरू करता है तो सपोर्ट नहीं मिलता तो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो मेरे लिए भी सेम चीज़ है, मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ और इस प्लेटफॉर्म में मैं नया हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कोई आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं इस प्लेटफॉर्म में नया हूँ पर एक चीज़ वादा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को कोई एंटरटेनमेंट की कमी नहीं आने दूंगा। सो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरा काम को सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।